Good morning, students. Today we are going to solve workbook chapter number 14, smart charts. So take out your workbook and open page number 209. So let's start. Okay. The table given below shows the details of the favorite TV program. TV program of the children. Answer the following questions on its basis. अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसपे कुछ प्रोग्राम्स के नेम दिए हुए हैं और कितने बच्चे उन्हें पसंद करते हैं वो दिया गया है. ठीक है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक जब एक्सप्लेन की थी उसमें भी समझाया था कि ये चैप्टर मतलब स्मार्ट चार्ट मतलब ऐसे चार्ट जिसको की देख के हमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पूछना हो तो हम फटाफट क्विकली उसका आंसर हम उस चार्ट को देख के दे, उन चार्ट्स को हम बोलते हैं स्मार्ट चार्ट्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें टीवी के प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं कि कौन किस कितने बच्चे किस प्रोग्राम को कितना पसंद कर. जैसे स्पोर्ट्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10, कार्टून 18 बच्चों को देखना पसंद है, म्यूजिक 11 बच्चों को देखना पसंद है, सीरियल्स 2 बच्चों को देखना पसंद है, न्यूज 1 चिल्ड्रन को देखना पसंद है, कॉमेडी 9 बच्चों को देखना पसंद है. ठीक है, ये एक चार्ट बना के यहाँ पे दिया हुआ है. Now, how many children like music? अब क्वेश्चन पूछा किसी ने कितने बच्चों को म्यूजिक पसंद है, हम फटाफट चार्ट देख के बोलेंगे 11 चिल्ड्रंस को. How many children like comedy programs? 9 children. Which kind of program is liked by most children? कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो बहुत सारे बच्चों को देखना पसंद है, तो वो क्या है, कार्टून. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which kind of program is liked by least children? कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो सब बहुत कम बच्चों को देखना पसंद है, न्यूज खाली एक ही बच्चे को देखना पसंद है. How many more children like the sports than the serial? कितने बच्चे स्पोर्ट्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं सीरियल से, तो स्पोर्ट्स देखना कितने बच्चे पसंद करते हैं, 10. सीरियल बच्चे कितना देखना पसंद करते हैं, 2. तो 10 - 2 8. 8 बच्चे ज्यादा है जो स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं बजाय सीरियल देखने के. How many less children like music than the cartoon? अब कितने बच्चे जो है वो म्यूजिक कम देखते हैं कार्टून से, तो कार्टून कितने बच्चे देखते हैं, 18. म्यूजिक कितने बच्चे देखते हैं, 11. तो 18 - 11 7. इसका मतलब 7 बच्चे कम म्यूजिक देखना पसंद करते हैं कार्टून के मुकाबले. नेक्स्ट, वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं, तो इन सबको प्लस कर दो, 10 + 18 + 11 + 2 + 1 + 9, आंसर इज 51. तो देखो कितने 7 क्वेश्चंस पूछे और हमने इजीली इसको देख के उनका रिप्लाई कर दिया, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शोज व्हाट थिंग्स द चिल्ड्रन ईट इन द मॉर्निंग मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस. अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड्स दिए हुए, मतलब किस चीज से कौन सा खाना बनता है और कितने बच्चे उसको पसंद करते हैं, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए. जैसे राइस से बना हुआ खाना 6 बच्चों को पसंद है, व्हीट से बना हुआ 32, मिलेट से बना हुआ 13, मेज से बना हुआ 2, ज्वार जिसको कि सोरगम भी बोलते हैं 1 बच्चे को पसंद है, रागी 1 बच्चे को पसंद है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द फूड मेड फ्रॉम विच ग्रेन इज लाइक्ड बाय द मोस्ट चिल्ड्रन. कौन सा फूड ऐसा है जो मतलब द फूड मेड फ्रॉम विच ग्रेन, कौन से ग्रेन से बना हुआ खाना बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होता है, वो है वीट. देखो 32 बच्चों, वीट से क्योंकि बहुत सारी चीजें बनती है ना, द फूड मेड फ्रॉम वीट ग्रेन इज लाइक बाय द मोस्ट चिल्ड्रन. ये जो वीट है, वीट से बना हुआ खाना अधिकतर बहुत सारे बच्चों को पसंद आता है क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखो इसमें सबसे ज्यादा है 32. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम वीट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम मिलेट. तो क्या डिफरेंस है, फीट कितने बच्चों को पसंद है, 32, मिलेट 13, तो 32 - 13 आंसर इज 19. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस देन द फूड मेड फ्रॉम सोरगम. अब सोरगम मतलब ज्वार, एक ही बच्चे को पसंद है, राइस से बना हुआ खाना 6 बच्चों को पसंद है, तो कितने बच्चों को ज्यादा पसंद है राइस से बना हुआ फूड, तो 6 - 1 = 5,
5 बच्चों को ज्यादा पसंद है राइस से बना हुआ फूड. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग द फूड मेड फ्रॉम व्हीट आर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग द फूड मेड फ्रॉम राइस. तो क्या आएगा, मोर लेस की इक्वल, क्योंकि व्हीट से बना हुआ खाना ज्यादा बच्चों को पसंद है ना, वो चाहे फिर राइस हो, चाहे बार्ले हो, चाहे ज्वार हो, कोई भी हो. तो क्या आएगा, मोर देन. तीन ऑप्शन दिए, तीन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, मोर. तो भी हो जाएगा, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग द फूड मेड फ्रॉम व्हीट आर मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग द फूड मेड फ्रॉम राइस. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम रागी आर डैश एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम मेज. अब रागी कितने बच्चों को पसंद है, देखो, वन. मेज कितने बच्चों को पसंद है, टू. तो रागी कम पसंद है ना, तो क्या आएगा, लेस. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम रागी आर लेस. कम आएगा ना, क्योंकि मेज दो बच्चों को पसंद है, रागी एक. तो क्या आएगा, लेस. तो देखा कितने स्मार्ट चार्ट्स हैं, उन चार्ट्स को देख के हमसे जो भी कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम उनका आंसर इजीली उनको देख के दे पा रहे हैं, है ना. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्मार्ट चार्ट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट गिवन बिलो. अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, देखो उसको पहले हमें समझना है चार्ट को. एक एक्सरसाइज की जो उस पर हमें क्या दिया हुआ है, एक्टिविटीज दी हुई है. एक्टिंग, कलेक्टिंग ड्रेसेस, प्लेइंग म्यूजिक, मेकिंग द सेट्स, ये एक्टिविटी. और दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं. अब जो ये फिगर्स बनाई हुई है, जिसको पिक्टोग्राफ मैंने बताया, जो चीज हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट्स में, उस चार्ट को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है. अब यहाँ पे एक ट्राइंगल मतलब 3 चिल्ड्रन, मतलब अब अगर आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख रहे हो, उसका मतलब ये कितने चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. तो चार्ट समझ में आ गया, ये एक्टिंग एक्टिविटी है, ये कलेक्टिंग ड्रेसेस है, ये प्लेइंग म्यूजिक है, ये मेकिंग द सेट्स है, और वन ट्राइंगल रिप्रेजेंट 3 चिल्ड्रन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा. अब एक ड्रामा है, उस ड्रामा में कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1, 2, 3, एंड वन ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन. इट मीन्स 3 × 3 इज इक्वल टू 9. इट मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, 9 चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा. 1, 3 + 3, 6, 6 + 3, 9 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 × 3 इजिली हमें आंसर मिल गया, 9 चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मोर चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग. कि जो सेट्स बना रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, किसमें ज्यादा चिल्ड्रन पार्ट ले रहे हैं, एक्टिंग में. देख के लग रहा है कि 1 मतलब 3, 3 × 3 = 9 एंड 3, 2 = 6. एक्टिंग में 9 बच्चे हैं और सेट्स बनाने में 6 बच्चे हैं, तो किस में बच्चे ज्यादा है, एक्टिंग में. तो इसका आंसर हो गया एक्टिंग. थर्ड क्वेश्चन, वॉट इज बींग डन बाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन. कौन सी चीज सबसे ज्यादा की जा रही है बच्चों के द्वारा, प्लेइंग म्यूजिक, क्योंकि इसमें देखो 4 ट्राइंगल है एंड 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 3, 3 × 4 = 12. सबसे ज्यादा बच्चे क्या किसमें पार्ट ले रहे हैं, किस एक्टिविटी में, प्लेइंग म्यूजिक. देखा हमें इजीली आंसर मिल गया ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस. ड्रेसेस कितने बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, सी ड्रेसेस, ये 2 ट्राइंगल्स मतलब 3 × 2 = 6. तो आंसर हो जाएगा 6 चिल्ड्रन. हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक देन कलेक्टिंग ड्रेस. कलेक्टिंग ड्रेस, प्लेइंग म्यूजिक में कितने बच्चे हैं, 12. कलेक्टिंग ड्रेस में कितने बच्चे हैं, 6. तो कितने बच्चे ज्यादा है प्लेइंग म्यूजिक में, तो क्या करोगे, 12 − 6 = 6. 6 बच्चे ज्यादा काम कर रहे हैं प्लेइंग म्यूजिक में. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर. टोटल मिला के कितने बच्चे हैं, देखो इसमें कितने हैं, 9. इसमें कितने हैं, 6. 9 + 6 = 15. 15 + 12 = 27. 27 + 6 = 33. हो गया 33. टोटल कितने बच्चे हैं, 33. तो हमने उस चार्ट को देखकर ही क्या कर लिया, पता लगा लिया जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे उसका. तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्मार्ट चार्ट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे देखो एक चार्ट दिया हुआ है, तो द चार्ट गिवन बिलो शोज द लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स मेड फ्रॉम द पेपर टू वियर अराउंड द
head of the children? Answer the following questions on its basis. So अब यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज दिए हुए हैं जिसमें कि उनके सर पे ऐसे स्ट्रिप्स लगाई है। देखो जैसे हेड है ना, तो एक स्ट्रिप्स लिए पेपर की और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया है, फिर उस स्ट्रिप्स को खोल के यहाँ पे लगा दिया ऐसे। तो ये जीनल के हेड की स्ट्रिप्स है, ये मुकेश के हेड की स्ट्रिप्स है, ये दीपक के हेड की स्ट्रिप्स है, ये भावेश के हेड की स्ट्रिप्स है और ये हेमंत के हेड की स्ट्रिप्स है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, हाँ, The chart given below shows the length of strips made from the paper to wear around the head of the children. मतलब उन लोगों ने क्या किया, पेपर की स्ट्रिप्स ली, पेपर की स्ट्रिप्स को हेड पे ऐसे रख के यहाँ पे जैसे ऐसे यहाँ तक मेजर किया और मेजर करके उसको खोल के यहाँ पे लगा दिया, तो उनकी लेंथ मेजर कर ली। ये देखो ये लेंथ आ गई यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ये दी हुई है लेंथ और यहाँ पे नंबर बच्चों के नाम दिए, नेम ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो जीनल की यहाँ से यहाँ तक मतलब 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स सेंटीमीटर दिया हुआ है, मुकेश की जो है वो 45 है, दीपक की कितनी हो गई 50, तो हम देख के बता रहे हैं ना यहाँ पे, देखो मेजरमेंट दिया हुआ है 50, भावेश की कितनी हो गई 45 और हेमंत की स्ट्रिप्स की लेंथ कितनी आई 55। तो इस टाइप के ये बार बने हुए हैं, तो इस टाइप के जो चार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बार ग्राफ। या आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको और डिटेल में मालूम चलेगा, यहाँ पे तो सिर्फ आपको चार्ट्स के बारे में समझना है कि किस तरीके से चार्ट्स होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के हम आंसर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ देखो वही पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप, सबसे लंबी स्ट्रिप्स कौन सी है, हेमंत के सर की है, कितनी है 55, तो आंसर क्या हो गया 55 सेंटीमीटर। हु हैज द बिगेस्ट हेड, किसका सबसे बड़ा हेड है, हेमंत का, क्योंकि उसके स्ट्रिप्स की लेंथ सबसे ज्यादा निकली है, तो हेमंत की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, सबसे छोटी स्ट्रिप्स कितनी है, देखो ये 40 सेंटीमीटर सबसे छोटी वाली है, और ये किसके हेड की है, हु हैज द स्मॉलेस्ट हेड, जीनल, जिसके स्ट्रिप्स की लेंथ सबसे कम आई उसका हेड के सबसे छोटा हो गया है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप्स, अब लॉन्गेस्ट कितना है 55, स्मॉलेस्ट कितना है 40, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रिप्स, तो 55 - 40 तो हो गया 15 सेंटीमीटर, देखो आंसर। Now next question is, how much more is the length of the strip of Deepak's head than that of Mukesh's head? Deepak ke head ki length jo hai wo Mukesh ke head se kitni zyada hai? Deepak ki kitni hai dekho? Deepak ki hai 50, Mukesh ki kitni hai 45. To 50 - 45 kitna ho gaya 5. To kitni zyada hai Deepak ke head ki length? 5 cm. To aa gaya 5 cm. How much less is the length of the strips of Bhavesh head? And then that of Hemant head. Hemant ke head ki to sabse zyada hai 55 aur Bhavesh ki kitni hai? See 45. To kitna difference hai dono ki head ki strip mein? 10. 55 - 45 answer is 10 centimeter. To ho gaya 10 centimeter. Dekho kis tarike se humne sare answers mein fatafat mil gaye, hai na? Chart ko dekh ke, sirf chart ko humne dekha aur chart se related jo questions the unke answer hume mil gaye. Next, ab main teesra chart bataya tha, chapati chart. जिसे हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। All students of a school take part in different clubs. Its pie chart is given below. Answer the following questions on its basis. अब एक पाई चार्ट है जिसमें हाफ हमें दिखा रहा है गेम्स क्लब और हाफ का हाफ दिखा रहा है गार्डन क्लब और ये है ड्रॉइंग क्लब। सो इफ देर आर 400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं, then find the number of members in each club. तो हर क्लब में कितने बच्चे हैं वो find करो। अभी आपको दिख रहा है ये पूरे pie chart का half, मतलब 1/2, तो 1/2 of 400, तो देखो 2 से 400, 2 2 4 0 0 201 201 200, तो मतलब वैसे भी देखो 400 का half क्या होता है 200, तो कितने games club में कितने बच्चे हैं, the game clubs have 400 members, है ना। अब हाफ का हाफ, तो हाफ का हाफ क्या कहलाते हैं, क्वार्टर, 1/4, तो 1/4 ऑफ 400 कितना हो जाएगा, देखो 4 1 4 0 0 0 100 1 100, तो 100 बच्चे कितने हो गए गार्डन क्लब में, और ये भी कितना पार्ट है 1/4, ये देखो ये हाफ जब फ्रैक्शन सिखाया था मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड हाफ, और हाफ के हाफ क्या बोलते हैं क्वार्टर, 1/4 1/4, तो 1/4 400 इज ऑल्सो 100, तो वैसे भी देखो 200 + 100 300 100 400, तो टोटल बच्चे हो गए 400,
तो टोटल हर क्लब में हमें मालूम चल गया कितने बच्चे हैं, इसमें 200 बच्चे हैं, इसमें गार्डन क्लब में 100 एंड ड्रॉइंग क्लब में 100। तो पाई चार्ट से हमें मिल गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेम क्लब्स एंड गार्डन क्लब। गेम्स क्लब्स और गार्डन क्लब्स में कितने, गेम्स क्लब में है 200 और गार्डन क्लब में कितने 100, 200 प्लस 100 300 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी लेस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ड्रॉइंग क्लब देन द गेम्स क्लब्स, गेम क्लब्स में 200 ड्रॉइंग क्लब में 100, तो 200 माइनस 100 आंसर इज 100। कितना सिंपल है देखो, है ना, सबसे सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, अ चाइल्ड मेड द पाई चार्ट एज शोन बिलो आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस। अब एक बच्चे ने अपने फ्रेंड से पूछा किसको बारिश में भीगना ज्यादा पसंद है, तो उसको ये आंसर मिला those who like to get wet in the rain and those who do not like to get wet in the rain। अब देखो ये पूरा एक सर्कल है, सर्कल का ये हाफ, ये वाला पार्ट हाफ, देखो मैं बताती हूँ, अगर मैं इसको इक्वली पूरा सा डिवाइड कर दूं ये हो गया हाफ और ये हो गया 1/4, है ना। लेकिन तो हाफ और 1/4 तो 3/4 हो गया ये, है ना, 3/4 और ये 1/4, खाली 1/4 वाले को, मतलब ये जो पार्ट है ये है 1/4, खाली 1/4 बच्चों को भीगना पसंद नहीं है, बाकी के सारे बच्चों को भीगना पसंद है। इस पाई चार्ट के अनुसार के अकॉर्डिंग हमें ये मालूम चल रहा है कि इतने सारे बच्चों को भीगना पसंद है बारिश में, खाली ये जो वाला पार्ट है इसे ही भीगना पसंद नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमें वो करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चों को भीगना पसंद है, तो 3/4 हाफ, तो ये हाफ हो गया, हाफ नहीं, 1/4 ओनली 1/4। नेक्स्ट 3/4, तो 3/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, देखो है ना, अगर मैं इसको इक्वली ऐसे चार पार्ट में डिवाइड कर दूं, देखो ऐसे और ये ऐसे, तो दिस इज, ओहो ये बहुत मोटा हो गया, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/4, है ना। तो 1/4 बोलते 2/4, 2/4, 2/4 प्लस 1/4, 3/4, इसको बोलते हैं 3/4। तो कितने बच्चों को भीगना पसंद है, 3/4 बच्चों को। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, और कितने बच्चों को भीगना पसंद नहीं है, 1/4 बच्चों को। अभी समझ में आया, ओके नाउ नेक्स्ट देखेंगे। If the number of children in the class is 24, then tell the number of children who like to get wet in the rain. अगर क्लास में 24 बच्चे हैं, 24 में से कितने बच्चों को भीगना पसंद है, तो 3/4, तो 3/4 ऑफ 24 कर देंगे, है ना, कितने टोटल बच्चे कितने हैं 24, तो 3/4 बच्चे, 24 के 3/4 बच्चे जो हैं उनको भीगना पसंद है, तो 4 6 24 6 3 18, इसका मतलब 18 बच्चों को भीगना पसंद है। और कितने बच्चों को अगर मैं पूछूं भीगना पसंद नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 24 में से 18 बच्चों को भीगना पसंद है, 24 माइनस 18 कितना बचा, 14 माइनस 8 6 एंड 0, 6 बच्चे जो हैं जिनको कि भीगना पसंद नहीं है। देखो वही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 36, अच्छा वे क्लास में अगर 36 बच्चे हुए, टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन। देखो इस क्वेश्चन था 24 बच्चे हैं, तो 24 में से कितने बच्चों को भीगना पसंद है, अगर क्लास में 24 बच्चे हैं कितने बच्चों को भीगना पसंद का था 3/4 को, 3/4 ऑफ 24 हमने किया 4 6 24 6 3 18 बच्चे, लेकिन अगर क्लास में 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे कितने बच्चों को भीगना पसंद नहीं है, तो 1/4 बच्चों को, तो 1/4 ऑफ 36 हो जाएगा, तो 4 9 36 9 1 9, तो 9 बच्चों को भीगना पसंद नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, कितने बच्चों को भीगना पसंद है, तो 3/4 ऑफ दिस नंबर कर देंगे, कितने बच्चों को भीगना पसंद नहीं है, तो 1/4 ऑफ उतने बच्चों को कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द आइटम्स लाइक बाय द चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। अब एक पाई चार्ट है जिसमें बच्चों को क्या पसंद है वो दिया है, देखो जैसे ये है, तो हाफ बच्चों को दोज हु लाइक मिल्क शेक,
वन फोर्थ बच्चों को दोज हु लाइक जूस एंड वन फोर्थ बच्चे दोज हु लाइक आइसक्रीम. तो विच पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक जूस, कितने बच्चों को जूस पसंद है? वन फोर्थ, मैंने आपको बताया इसको अगर मैं फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो दिस इज वन अपॉन फोर, दिस इज वन अपॉन फोर, दिस इज वन अपॉन फोर, दिस इज वन अपॉन फोर. तो वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर क्या होता है? टू अपॉन फोर, दिस इज कॉल्ड हाफ. ये वन अपॉन फोर, ये अपॉन फोर. तो वन फोर्थ, कितने बच्चों को जूस पीना पसंद है? वन पसंद करते हैं, वन फोर्थ. वॉट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, कितने बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं? वन फोर्थ. एंड विच ड्रिंक्स आर लाइक इक्वली बाय द चिल्ड्रन, कौन सी दो चीजें ऐसी जो इक्वली पसंद करते हैं? जूस और आइसक्रीम, मिल्क शेक एंड जूस, मिल्क शेक एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम एंड जूस. तो आइसक्रीम और जूस क्यों? दोनों दोनों कैसे हैं? वन फोर्थ है, इसे दोनों इक्वल इक्वल है. इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 400, देन राइट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक जूस आइसक्रीम एंड मिल्क शेक. अब उन्होंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 400 है तो कितने बच्चों को मिल्क पसंद है, कितने बच्चों को जूस और कितने बच्चों को आइसक्रीम. तो देखो चिल्ड्रंस हु लाइक जूस, जूस कितने बच्चों को पसंद था? वन फोर्थ ऑफ 400. देखो फोर वन जा फोर जीरो जीरो, हंड्रेड वन जा हंड्रेड, हंड्रेड चिल्ड्रन हो गया. चिल्ड्रंस हु लाइक आइसक्रीम, तो वन फोर्थ ऑफ 400 इज ऑल्सो 100 चिल्ड्रन. एंड चिल्ड्रंस हु लाइक मिल्क शेक, तो हाफ ऑफ 400, टू टू जा फोर, 200 वन जा 200 चिल्ड्रन. देखो 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400 हो गया. तो आपको अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हो और पूछा हो कि पाई चार्ट दिया हो कि कितने बच्चों को क्या पसंद, तो आप देखो कितना, वन फोर्थ बच्चों को ये पसंद है तो वन फोर्थ ऑफ दिस नंबर कर दो, हाफ बच्चों को अगर ये पसंद तो हाफ ऑफ दिस नंबर करके आप नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकाल सकते हो इजीली. ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे. चिल्ड्रंस वर आस्क व्हाट डू दे लाइक द मोस्ट, टी कॉफी और मिल्क. बच्चों से पूछा गया कि वो सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं, टी कॉफी और मिल्क. देयर डिटेल्स आर गिवन बिलो, नीचे डिटेल्स दी हुई है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस. अभी नीचे जैसे मिल्क 30 बच्चों ने बोला कि उन्हें मिल्क पसंद है, 15 बच्चों ने बोला कॉफी पसंद है और 15 बच्चों ने बोला टी पसंद है. टोटल कितने बच्चे हो गए? 65 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 5 6. टोटल नंबर ऑफ हो गए 60. अब क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइक मिल्क, यहाँ पे दिया है हाफ, वन फोर्थ, थ्री फोर्थ. तो कैसे हमने पता लगाया हाफ? क्योंकि 60 का आधा होता है 30, 60 का हाफ होता है 30, तो 30 बच्चों को, तो इसलिए हाफ बच्चों को मिल्क पसंद है. व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइक कॉफी, कितने बच्चों को कॉफी पसंद है? तो वन फोर्थ. देखो टोटल अगर मैं पाई चार्ट से आपको एक्सप्लेन करूं, देखो ये इसका पाई चार्ट बनाऊ अगर, ठीक है, ये मैंने पाई चार्ट बनाया और टोटल नंबर है स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट चिल्ड्रंस कितने हैं? 60. देखो तो ये हो गया हाफ जिनको की क्या पसंद है, मिल्क, है ना. तो हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ 60 कितना होता है? 2 3 जा 6 0 का 0 30 वन जा 30 आया 30, इसका मतलब हाफ बच्चे, है ना. नेक्स्ट है कितने बच्चों को कॉफी पसंद है, तो ये फिफ्थ, ये नंबर ऑफ हो गए 30, ये है 15 और ये है 15. देखो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 30 60 हो गया, है ना. तो यही पूछा है यहाँ पर, व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइक कॉफी, वन फोर्थ बच्चों को कॉफी पसंद है. रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द टेबल ऑन अ पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट में बनाना है. तो देखो मैंने जैसे ये बनाया था, अभी यहाँ पे मिल्क कॉफी टी, हाफ बच्चों को मिल्क, वन फोर्थ को कॉफी एंड वन फोर्थ को टी. ओके, अब लेट्स डू होमवर्क गिवन ऑन पेज नंबर 214. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर चार्ट ऑफ 5 months गिवन बिलो. अब देखो यहाँ पे 5 months का टेम्परेचर चार्ट दिया हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड दिसंबर. अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए. तो ये देखो कोई भी चार्ट में इंफॉर्मेशन दी होती है जिसे हम डेटा बोलते हैं, उस डेटा के बेसिस पे हम नीचे कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हम उस चार्ट को देख के क्वेश्चंस दे सक आंसर दे सकते हैं. जैसे व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन विच मंथ, किस महीने, ये यहाँ पे क्या है मंथ्स है,
और यहाँ टेम्परेचर है और टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस क्या हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है और किस मंथ का है? तो सबसे बड़ा बार किसका दिख रहा है आपको, ये 45 देखो, सबसे बड़ा 20, 30, 35, 45, 10। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज द हाईएस्ट टेम्परेचर और किस मंथ में है? जून मंथ में। नेक्स्ट, वॉट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एंड विच मंथ? सबसे लोएस्ट किसका है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस मंथ में है? दिसंबर। वॉट इज द टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मे? मे में क्या टेम्परेचर है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कितना इजिली हम आंसर दे रहे हैं सिर्फ चार्ट देख के। चार्ट में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है, हमें बस उसको देख के आंसर देना है। जैसे इन विच मंथ इज द टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड? किस मंथ में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है? अप्रैल में। आंसर इज अप्रैल। हाउ मच मोर इज द टेम्परेचर ऑफ मे मंथ देन अप्रैल मंथ? तो मे में कितना है? 35 देखो, और अप्रैल में कितना है? 30। तो कितना टेम्परेचर ज्यादा है मे मंथ में? 35 माइनस 30, 5 डिग्री। आंसर हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच लेस इज द टेम्परेचर ऑफ मार्च मंथ देन जून मंथ? तो मार्च एंड जून देखो, मार्च में कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जून में कितना है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसमें ज्यादा है? 45 माइनस 20, तो कितना हो गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर? हाइएस्ट कितना था? 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लोएस्ट कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंस आ गया, है ना? कितना इजिली आंसर मिल गया। अब देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जो हमने पहले किया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट शोइंग फेवरेट कलर्स ऑफ द चिल्ड्रन गिवन बिलो। अब यहाँ पे फेवरेट कलर दिया हुआ है। नोट एवरी चाइल्ड लाइक वन एंड ओनली वन कलर, और वन ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। वहां पे कितना था? 3 चिल्ड्रन था। अभी अलग टाइप का चार्ट है, इसमें कलर्स दिए हैं। वहां पे एक्टिविटी दी थी, ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक ग्रीन कलर? देखो 3 ट्राइंगल्स दिए, एंड 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 4, तो 4 3 12 12 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक ब्लू कलर? हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 1 2 3 4, 4 4 16। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक येलो कलर? 2 ट्राइंगल्स एंड 1 ट्राइंगल इज इक्वल टू 4, तो 4 2 8 8 चिल्ड्रन लाइक येलो कलर। हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक रेड कलर देन ग्रीन कलर? कितने बच्चे रेड कलर ज्यादा पसंद करते हैं ग्रीन के? तो रेड कितने थे? 16, और ग्रीन कितने हैं? 12, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। 4 बच्चों को रेड कलर ज्यादा पसंद है ग्रीन कलर से। एंड हाउ मेनी लेस चिल्ड्रन लाइक येलो कलर देन ब्लू कलर? ब्लू कलर कितने बच्चों को पसंद है? 16, और येलो कलर कितने बच्चों को पसंद है? 8, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। 8 बच्चों को कम पसंद है येलो कलर, है ना? तो इजिली कितने इजिली हमको आंसर मिल रहा है, देखो सिर्फ चार्ट देख देख के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर? टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं? तो देखो ग्रीन में कितने हैं? 12, 4 3 12, है ना? और रेड में कितने हैं? 16। ब्लू में कितने हैं? 16, और येलो में कितने हैं? 8। तो 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 52 चिल्ड्रंस। तो हमको आंसर मिल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो देखो कोई भी चार्ट दिया हो, उस चार्ट से हम इजिली कितने इजिली हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखा ना आपने? अब देखो दूसरा देखेंगे। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ईच स्टूडेंट टेक पार्ट इन सम एक्टिविटीज, इट्स पाई चार्ट इज गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस। अब एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए 500, उसमें से ये एक्टिविटीज दी हुई है, बताना है कि क्वेश्चन दिए हुए नीचे उनके आंसर देने हैं। अब देखो हाफ स्पोर्ट्स क्लब, देखो पूरा पूरे पाई चार्ट का हाफ में क्या है? स्पोर्ट्स क्लब। 1/4 में क्या है? साइंस क्लब। 1/4 में है मैथ्स क्लब। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब? साइंस क्लब में कितने बच्चे हैं? तो हाफ ऑफ 500 कर देंगे, तो 4 1 4 4 2 10 4 5 20, 120। देखो बोलना नहीं है, समझ के भी करना है। हाँ कि मैम पढ़ रही है तो सिर्फ पढ़ के काम हो जाएगा। हाफ ऑफ 500, हाफ ऑफ 500 देखो, तो 2 2 4, अच्छा हाफ नहीं है, सॉरी 1/4 है,
अभी आप लोग क्लास में हो तो चिल्लाने लगते, नहीं मैम यहाँ पे 1/2 नहीं है, 1/4 है ना, दिस इज 1/4, तो 4 1 4, 1 बचा, 1 और 0 क्या 10, 4 2 10, 4 2 8, 10 - 8 2, 2 0 24, 5 20, 125, 125. देखो तो कितने बच्चों को साइंस क्लब पसंद है, 125 बच्चों को साइंस क्लब पसंद है. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन मैथ्स क्लब, मैथ्स क्लब में कितने बच्चे हैं, वही 1/4 है, अगेन वही हो जाएगा 1/4 ऑफ 500, तो इसको भी करेंगे तो कितना आएगा 125, तो इसका मतलब मैथ्स क्लब में भी कितने बच्चे हो गए, 125 बच्चे हो गए. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब में कितने, हाफ बच्चे, हाफ ऑफ 500. अब हाफ ऑफ 500, 2 2 4, 1 बचा 10, 2 5 10, 0 का 0, इसका मतलब कितने बच्चे हैं स्पोर्ट्स क्लब में, 250. सो हाउ मेनी टोटल नंबर, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम चल गए, देखो इसमें 200 स्पोर्ट्स क्लब में, 250 है साइंस क्लब में, 125 मैथ्स क्लब में, 125. अब देखो 125 125 हो गया, 250 250 250 हो गया 50, तो पूरे 500 बच्चों को हमने डिवाइड कर दिया. हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस एंड मैथ्स क्लब, साइंस और मैथ्स क्लब में टोटल कितने बच्चे हैं, तो 125 प्लस 125 250. हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स एंड साइंस क्लब, स्पोर्ट्स एंड साइंस क्लब, स्पोर्ट्स में 250, साइंस में 125, तो 375. हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स क्लब देन मैथ्स क्लब, तो स्पोर्ट्स क्लब में 250, मैथ्स क्लब में 125, तो कितने बच्चे ज्यादा है, 125 बच्चे ज्यादा है. हाउ मेनी लेस स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब देन स्पोर्ट्स क्लब, तो स्पोर्ट्स क्लब में 250, साइंस में 125 बच्चे कम है. तो हमें देखो कितने ईजिली चार्ट को देख के सब आंसर मिल गया है ना, पाई चार्ट एक सिर्फ दिया था और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख के हमें उनके सबके आंसर मिल गए. ओके नेक्स्ट देखेंगे, द टेबल शोज फेवरेट आइटम्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस. ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रंस पिज्जा 40 बच्चों को पसंद है, सैंडविच 20 बच्चों को पसंद है, वड़ा पाव 20 बच्चों को पसंद है. ये एक चार्ट दिया हुआ है, फेवरेट आइटम्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रंस आर देयर, टोटल कितने बच्चे हैं, तो सबको प्लस कर दो, 40 + 20 = 60, 60 + 20 = 80, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ गए. वॉट इज द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक पिज्जा आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन. अब देखो 80 नंबर ऑफ टोटल है, 80 का हाफ 40, तो 40 हो गया ये पिज्जा, 20 मतलब 1/4 एंड 1/4, सो हाफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक पिज्जा आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन, हाफ 1/4 3/4, कि टोटल चिल्ड्रन में से कितना प्रपोर्शन के बच्चों को पिज्जा पसंद था, आधे बच्चों को, हाफ बच्चों को, तो आंसर हो गया हाफ. व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक वड़ा पाव आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन, टोटल का देखो 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, तो 1/4 हो गया 1/4. एंड व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक सैंडविच आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन, तो भी 1/4 हो गया है ना, क्योंकि 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, तो 1/4 हो गया. विच आइटम इज लाइक इन इक्वली प्रोपोर्शन बाय द चिल्ड्रन, कौन सा दोनों सैंडविच और वड़ा पाव 1/4 1/4, ये दो चीजें इक्वल बच्चों को पसंद है. मेक अ पाई चार्ट ऑन बेसिस ऑफ द गिवन अबव गिवन टेबल. तो देखो मैंने बताया था ना टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने 80, 80 में से हाफ बच्चों को क्या पसंद है, पिज्जा, और 1/4 बच्चों को सैंडविच, 1/4 बच्चों को वड़ा पाव, तो ये उसका पाई चार्ट हो गया जो आपको बनाना है. बस चैप्टर फिनिश होता है, आज आपका सिलेबस पूरा हो गया, अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में चैप्टर फिनिश करोगे वर्कबुक में. फिर जब मैं बोलूंगी कि अपनी वर्कबुक सबमिट करानी है आपको स्कूल में फॉर करेक्शन, तब आप स्कूल में दोगे. अभी नहीं, अभी जिस जिसका वर्क इनकम्प्लीट है वो सब अपना अपना वर्क कम्प्लीट कर लेंगे. ओके, और फिर हम उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में रिविजन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे फाइनल एग्जाम आएंगे है ना. अभी आपको एबसेंट नहीं रहना है, जो जो मैं रिविजन कराऊंगी वो अच्छे से करना है. ओके, तो फर्स्ट यू कंप्लीट योर वर्क, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखो. फिर से कोरोना बहुत फैल रहा है बेटा, ज्यादा
लापरवाही केयरलेस नहीं करनी है, घर में ही रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है. ओके, सो बाय एंड टेक केयर.